हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट पानी पूरी। इसके लिए सबसे पहले हमें इमली का पानी तैयार करना है। उसके लिए मैंने ये इमली कुछ देर पहले पानी में भिगो के रख दी थी और अब इसे हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और ये जब अच्छी तरह से मैश हो जाए, क्योंकि मेरी जो इमली मैंने यूज की थी वो बीज वाली इमली थी, इसलिए मुझे वो प्रोसेस करना पड़ा। उसके बाद हमें छन्नी की मदद से उस पानी को छान लेना है। पानी पूरी के नाम से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है और बहुत बार हम बाहर का मंगा करके नहीं खा सकते हैं, इसलिए क्यों ना हम लोग घर में इसे बनाएं और बाहर से ज़्यादा अच्छा और हाइजीनिक बना करके इसे खाएं। तो बस अब इसे हमें डालना है रेड चिली पाउडर, नमक स्वादानुसार। और यह जो पानी पूरी आप घर में बनाएंगे वो डेफिनेटली बाहर वाली पानी पूरी से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसे हमें पहले मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी पूरी मसाला। आप इमली पानी की जगह पुदीने का पानी भी बना करके वो पानी पूरी का मज़ा ले सकते हैं। वह फिर दूसरा फ्लेवर देगा आपको, यानी दो तरह की पानी। और बस ये एक स्पून मैंने डाला इसमें पानी पूरी मसाला। इसे भी हमें इसमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और यह पानी बनाते हुए वो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ इसका चटपटा स्वाद। वाह, बहुत अच्छा बना है। और बस एक चीज़ की अभी भी कमी है इसमें, वो है थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो बस वो आप काट के डाल दें, और आप चाहें तो आप इसमें ऊपर से हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं अगर और थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाना अगर आप पसंद करते हैं तो। और मुझे क्या कहना है, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। और मैंने देखिए, मैंने भी एक्स्ट्रा ग्रीन चिली ऊपर से डाला है ताकि ये थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाए, क्योंकि मुझे चटपटा बहुत पसंद है। चलिए अब मैं बनाने वाली हूँ इसका मसाला। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू और इन्हें हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ओह, ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। और बस हमें डालना है इसमें कटे हुए प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब मैं डालने वाली हूँ इसमें कटे हुए हरे धनिए के पत्ते। और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और ये गया इसमें स्वादानुसार नमक। और इन सबको मिला करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मैं इसमें डालने वाली हूँ एक्स्ट्रा चीज़, वो है चाट मसाला। इससे थोड़ा इसके स्वाद इसका चटपटा आ जाता है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। और बस इन सबों को, ओह मैं एक चीज़ भूल रही थी, मैंने डाला थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हमारा जो भड़ावन है पानी पूरी का वो तैयार है। और इंस्टेंट पानी पूरी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये पानी पूरी पापड़, ये देख लीजिए। और इसे हमें बस कुछ नहीं करना है, गर्म तेल में फ्राई कर लेना है। ये बहुत लोगों को पता ही होगा। एक्चुअली ये पानी पूरी के सब कुछ बहुत अच्छे हैं, इसका मसाला, इसका पानी बहुत अच्छा है,
लेकिन भी ये पूरी जो बनती है वो थोड़ी सी कड़ी होती है, जो कि नॉर्मल मैदे सूजी की पूरी बनती है उसकी अपेक्षा। लेकिन भी ये उसकी, जब आपको बहुत मन है तब आप ये बना के उस टाइम खा सकते हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं भी आपको दिखा रही हूँ, और बस इसे गर्म तेल में हमें फ्राई करके निकाल लेना है। और मैं इस पानी पूरी पापड़ का ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कड़ा लगता है जो उस पानी पूरी की तुलना में, जो कि नॉर्मल बनता है प्रॉपर मैदे सूजी आटे जिससे, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी आप इसे खा सकते हैं 1 to 2 times कभी भी इंस्टेंट मन हो तो। इस कोरोना सिचुएशन में तो बिल्कुल खा सकते हैं बना करके। और बस ये देखिए, यह मैंने गर्म ऑयल में इसे डालते ही ये खुद ब खुद इतना बड़ा सा हो जाता है फूल करके। तो आप इसे बनाइए और खा सकते हैं, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। और घर में बने पानी पूरी की खासियत आपको पता ही है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कौन सा पानी बनाने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल किया है, कौन से मसाले डाले हैं, कैसे आलू का मसाला बनाया है। तो इसलिए यह बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर उन्हें मन करे आप इस तरह से घर में तुरंत बना करके उन्हें दे सकते हैं। और तब तक मैंने इतनी सारी पूरियाँ तल ली हैं, जो कि इस तरह के शेप में आती हैं फूल करके, वो आपने देख ही लिया है। और यह सभी जनरल स्टोर में नॉर्मल मिल जाती है इस तरह के पानी पूरी के पापड़। और ये देखिए, ये कितनी जल्दी और किस तरीके से इस साइज में आराम से ये फूल जाती हैं। और मेरी तो पानी पूरी बन के तैयार है, मैं तो चली इसे खाने के लिए। आपको भी मन हो तो बनाइए और खाइए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।